दोस्तों हम लोग जानकी मंदिर में पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी मंदिर खुला है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से विवाह पंचमी का है, बहुत ही महिमा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो बैग उग रखा हुआ है, सब बाहर के यात्री लोग हैं, तो सभी लोग यहाँ पर अपना सर सामान रखे हुए हैं। और इस तरह से मैं मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा कुछ आप लोग को दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए चारों तरफ से दूसरा गेट है, तीन ठो गेट है भीतर जाने के लिए, तो तीनों गेट में इस तरह से सजाया हुआ है दोस्तों। और अब मंदिर के पीछे की तरफ चल रहा है, यहाँ पर जानकी विद्युतीय चलचित्र है, संस्कृति संग्रहालय है दोस्तों। तो यहाँ पर जानकी जी की सारे चीज़ को दिखाया गया है। और पीछे में आप चलिए, अब ये शालिग्राम का मंदिर है, यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। और शालिग्राम में दर्शन करने के बाद फिर आपको फिर मंदिर के परिक्रमा की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ दर्शन कर लिए शालिग्राम का, और आगे की तरफ चल रहा है दोस्तों। अब आगे आप देखिए, और यहाँ पर राम जानकी का आजीवन, गेट से निकल गए। और इधर से देखिए पूरा जानकी मंदिर का लुक दिख रहा है, और जहाँ भी देखिए चारों तरफ ऐसे फूल माला प्रसादी सब बिक रहा है दोस्तों। इधर देखिए सामान सब बिक रहा है, जो जितना लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो देखिए कितना भीड़ है, कितना सारे, अभी तो सवेरे है, तो अभी देखिए चारों तरफ से इस तरह से सामान बिक रहा है। चूड़ी, शंखा चूड़ी, पोला चूड़ी, यहाँ से सभी दर्शनार्थी आते हैं तो प्रसाद ले जाते हैं अपने घर के लिए, सुहाग के लिए। ये मंदिर के देखिए चारों तरफ है, चारों तरफ इस तरह से भीड़ लगी हुई है, सामान सब बिकता है। शंख वगैरह, शंखा पोलो, इधर फिर सुरक्षा घेरा लगा हुआ है, शाम में फिर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं चूड़ी का है, दर्शनार्थी के लिए पूरी छना रहा है। शिव मंदिर में हम लोग आए हैं, शिव मंदिर का नजारा है दोस्तों। शिव बाबा का भोग लगने के लिए यहाँ पर प्रसाद है, शिव बाबा का भोग लगेगा, बाबा है। और मैं अदरक लहसुन प्याज को मिक्सर में कर करके मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। और मिक्सर में अदरक लहसुन पीस करके पनीर को भी भून करके फिर आलू भून करके सब्जी बना लेती हूँ। इधर मैं चावल भी धो ली हूँ, देखिए और क्या मैं बनाती हूँ, हो गया है तो जल्दी बना लेती हूँ। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन सारे बना पीस लेते हैं।
12 बज गया, मैं 10 बजे मंदिर से आई, 2 घंटा में मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई हूँ दोस्तों। तो आज का लंच यही है, चावल बनाई हूँ, आलू गोभी पनीर का सब्जी बनाई हूँ, बंदा का भुजिया बनाई हूँ, थोड़ा सा केला का सब्जी है, और आलू जो मैं बॉयल की हूँ उसी में से थोड़ा मैं आलू का चोखा भी बनाई हूँ, थोड़ा सा दही हो गया दोस्तों। आज विवाह पंचमी है तो मिठाई तो बनता ही है, मिठाई है और ये सलाद है दोस्तों। तो हम लोग को मिथिला में तो चावल में बिना घी का बनता नहीं है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा घी चावल में डाल करके दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मैं विवाह पंचमी का, विवाह पंचमी आज है तो मैं मंदिर गई थी तो उसका भी मैं झलक ली हूँ, थोड़ा सा लंच का भी ली हूँ, और फिर शाम में मैं दिखाऊंगी यहाँ पर कैसे डोला जाता है, सभी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो फिर मैं मिलूंगी।